हे गाइस व्हाट्स अप। सो एक इंडियन होने के नाते कुर्ता पजामा हमारे स्टाइल और फैशन में हमेशा से रहेगा, क्योंकि किसी ना किसी ओकेशन में किसी ना किसी जगह में हम इसे पहनते ही है। बट कुर्ता पजामा में अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको महंगा कुर्ता पजामा खरीदना पड़ेगा, बल्कि कुर्ता पजामा के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे फॉलो करके आप एक 500-600 वाले कुर्ते में भी, एक महंगे कुर्ते पजामा से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और क्लासी लगोगे। इसलिए आज मैं आपको 10 ऐसे कुर्ता पजामा के टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप एक सस्ते कुर्ते पजामे में एक महंगे कुर्ते पजामे में से भी ज्यादा स्टाइलिश लगोगे। उससे पहले अगर आप लवडक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाता हूं जो भाई डार्क स्किन या सांवले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सांवले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपकशॉफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो पहला कुर्ता पजामा टिप है कि कभी भी चमकदार और झिलमिल वाला कुर्ता मत पहनना, क्योंकि पहला रीजन यह है कि चमकदार और झिलमिल कुर्ता पहनने से हमारा स्किन बहुत ज्यादा डार्क दिखता है, क्योंकि चमकदार कुर्ता पहनने से सारा अट्रैक्शन कुर्ते पे चला जाता है जिससे फेस डल और डार्क दिखने लगता है। और दूसरा रीजन यह है कि चमकदार कुर्ता ज्यादातर लड़कियां पहनती है अटेंशन पाने के लिए, इसीलिए एक डार्क स्किन लड़के को कभी भी चमकदार और झिलमिल वाला कुर्ता नहीं पहनना चाहिए, वरना आपका सिर्फ कुर्ता ही चमकेगा, आपका फेस नहीं। इसीलिए हमें हमेशा सिंपल कुर्ता पजामा पहनना चाहिए इस टाइप के, क्योंकि कुर्ता पजामा जितना सिंपल होता है उतना ही अट्रैक्टिव लगता है हमारे ऊपर। और इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा टिप है कि कुर्ता हमेशा डार्कर शेड वाले पहनना, जैसे नेवी ब्लू, ब्लैक, डार्क ग्रे, ऑलिव ग्रीन, मरून, वॉयलेट, डार्क क्रीम, ये सब कलर के कुर्ते हमारे ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये सब कलर हमारे स्किन टोन को हाईलाइट नहीं करते हैं और जिससे हमारा स्किन टोन ज्यादा डार्क नहीं दिखता है। बट इसी के उल्टा अगर आप लाइट कलर के कुर्ते पहनोगे जैसे व्हाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, तो पहले वाले पॉइंट की तरह हमारा सारा अट्रैक्शन हमारे कुर्ते पे चला जाएगा जिससे हमारा स्किन टोन हाईलाइटेड होगा और हमारा फेस बहुत ज्यादा डार्क दिखेगा। इसीलिए हमें हमेशा डार्कर शेड वाले कलर के कुर्ते पहनना चाहिए जिससे हमारा स्किन टोन अट्रैक्टिव और ग्लोइंग लगे और हम कुर्ते में क्लासी लगे। तीसरा टिप है कुर्ते में हमेशा दो कलर से ज्यादा कलर नहीं होना चाहिए। मतलब ये कुर्ता देखो, इस कुर्ते में एक ही कलर है वो है ऑलिव ग्रीन। अब ये कुर्ता देखो, इस कुर्ते में दो कलर है, इसका मेन कलर है पर्पल बट इसके कॉलर में व्हाइट कलर भी है। और अब ये कुर्ता देखो, इस कुर्ते में तीन कलर है, इसका मेन कलर है ब्लैक बट इसके कॉलर में हल्का सा व्हाइट कलर भी है और इसके पॉकेट में रेड कलर भी है। तो इन तीनों में से हमें एक कलर वाले कुर्ते और दो कलर वाले कुर्ते ही पहनना चाहिए, क्योंकि दो कलर से ज्यादा कलर वाले कुर्ते हमारे ऊपर अच्छे नहीं लगते। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस टाइप के कुर्ते पहनो, इस कुर्ते में भी दो कलर है बट इस टाइप का कुर्ता मत पहनना। दो कलर से मेरा मतलब है पहला वाला कलर ज्यादा होना चाहिए और दूसरा कलर थोड़ा सा होना चाहिए। जैसे ये कुर्ता, इस कुर्ते का पहला कलर ब्लू है, पूरा कुर्ता ब्लू कलर का है, और दूसरा कलर व्हाइट है जो कि थोड़ा सा है और वो भी सिर्फ कॉलर के एरिया में। इसीलिए याद रखना दो कलर वाले कुर्ते का मतलब ऐसा कुर्ता होता है। और ये भी याद रखना, जब भी आप कॉलेज या ट्यूशन में कुर्ता पहनोगे तो हमेशा एक कलर वाले कुर्ते पहनना, क्योंकि कॉलेज या ट्यूशन में दो कलर वाले कुर्ते पहनने से वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप कोई ओकेशन में कुर्ता पहनोगे तो आप एक कलर या दो कलर वाले कुर्ते में से कोई सा भी कुर्ता पहन सकते हो। चौथा टिप है कुर्ते के डिजाइन से रिलेटेड। सो ये चीज हमेशा याद रखना कि कुर्ता जितना सिंपल होता है उतना ही अट्रैक्टिव लगता है हमारे ऊपर, इसीलिए कभी भी इस टाइप का कुर्ता मत पहनना। नीचे से इस टाइप का कटा हुआ, बटन का स्टाइल टेढ़ा किया हुआ, कुर्ते में बहुत ज्यादा डिजाइन किया हुआ या कुर्ते का कॉलर वी कट किया हुआ, यकीन मानो इस टाइप के कुर्ते हमारे ऊपर बहुत घटिया लगते हैं। इसे पहनने से हम एकदम लोफर जैसे लगते हैं। इसीलिए कुर्ते का डिजाइन हमेशा ऐसा होना चाहिए, कॉलर हमेशा राउंडेड होना चाहिए, बटन हमेशा सीधा लाइन में होना चाहिए और नीचे का डिजाइन भी सीधा होना चाहिए, कोई टेढ़ावा का नहीं, और कुर्ते में ज्यादा डिजाइन नहीं होना चाहिए। इस टाइप के कुर्ते हमारे ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। पांचवी कुर्ता पजामा टिप है कि कुर्ते के ऊपर एक नेहरू जैकेट पहन लेना। सो अगर आप कुर्ता पजामा में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और क्लासी लगना चाहते हो तो कुर्ता के ऊपर एक नेहरू जैकेट पहन लेना। बट नेहरू जैकेट आप तभी पहनना जब कोई खास ओकेशन हो, जैसे कॉलेज के पूजा में, शादी में, मेहंदी में, संगीत में, इस टाइप के ओकेशन में आप कुर्ता के ऊपर एक नेहरू जैकेट पहनना अगर आप ज्यादा स्टाइलिश लगना चाहते हो तो। और ये भी ध्यान रखना कि नेहरू जैकेट में कोई
डिजाइन नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। और नेहरू जैकेट में जो कलर हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं वो है ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, नेवी ब्लू और मरून। छठी टिप है कुर्ते के पजामे से रिलेटेड। सो कुर्ते का पजामा हमेशा इस टाइप का होना चाहिए, वो जो नीचे बलून जैसा फूला हुआ पजामा होता है वैसा पजामा मत पहनना, क्योंकि उससे हमारा हाइट छोटा दिखता है। इसीलिए हमारे कुर्ते का पजामा हमेशा ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट वाला। और ये जरूरी नहीं है कि आप कुर्ते के साथ सिर्फ पजामा ही पहन सकते हो, आप कुर्ते के साथ जीन्स और चिनोज भी पहन सकते हो। जीन्स और चिनोज भी कुर्ते के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, बट याद रखना जीन्स और चिनोज पहनने से वो फिर कैजुअल लुक हो जाता है। इसीलिए अगर आप कॉलेज या ट्यूशन में कुर्ता पहनोगे तो उसके साथ जीन्स पहनना, और अगर आप कोई पार्टी में कुर्ता पहनोगे तो उसके साथ चिनोज पहनना, और अगर आप कोई शादी के ओकेशन में या कोई पूजा में कुर्ता पहनोगे तो उसके साथ पजामा पहनना। सातवीं टिप है कुर्ते के फिटिंग से रिलेटेड। तो अगर आप एक पतले बंदे हो तो आपको गलती से भी कुर्ता लूज, ढीला ढाला नहीं पहनना चाहिए, वरना आप अंकल जैसे दिखोगे। इसीलिए कुर्ता चेस्ट और हाथ के एरिया में फिटेड होना चाहिए और पेट के एरिया में थोड़ा सा लूज होना चाहिए। इसीलिए पतले लड़कों, जब भी आप कुर्ता पजामा खरीदने जाना तो अपने साइज के कुर्ते को ट्राई तो करना ही, और साथ ही साथ अपने साइज से एक साइज छोटा कुर्ता भी ट्राई कर लेना, और जो कुर्ता ज्यादा अच्छा लगे वो कुर्ता ले लेना, क्योंकि पतले लड़कों पर टाइट कुर्ता ही ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप थोड़े मोटे हो तो आप नॉर्मल फिटेड कुर्ते पहनना, वरना आपका पेट दिखने लगेगा। आठवीं टिप है हमेशा अपने कुर्ते के स्लीव को ऊपर की तरफ मोड़ के रखना, इससे आपका फोर आर्म दिखेगा, और कुर्ते में फोर आर्म दिखने से कुर्ते का लुक इनहेंस हो जाता है, कुर्ता और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। एग्जाम्पल के लिए ये फोटो देखो, इसमें लेफ्ट वाले बंदे ने अपने कुर्ते के स्लीव को रोल्ड अप किया हुआ है और राइट वाले लड़के ने नहीं किया हुआ है। तो अब आप बताओ आपको कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? मुझे तो लेफ्ट वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसीलिए जब भी कुर्ता पहनना तो उसके स्लीव को ऊपर की तरफ मोड़ लेना। नाइन्थ टिप है, जब भी कुर्ता पहनना तो वॉच पहनना मत भूलना, और वॉच के साथ सिर्फ एक ही रूल फॉलो करना कि जब भी कुर्ता पहनना तो उसके साथ डिजिटल वॉच, जी सॉक वॉच, स्पोर्ट्स वॉच ये सब मत पहनना, क्योंकि ये सब वॉच हमारे ऊपर उतनी अच्छी भी नहीं लगती है और हमारे कुर्ते के लुक को भी पूरा बिगाड़ देती है। इसीलिए जब भी कुर्ता पहनना तो उसके साथ हमेशा एक ही वॉच पहनना, वो है लेदर बेल्ट वॉच, और उसमें भी सिर्फ दो ही कलर, ब्लैक लेदर बेल्ट वॉच और ब्राउन लेदर बेल्ट वॉच, इन दोनों में से कोई सा भी पहन सकते हो। एंड फाइनली दसवीं कुर्ता पजामा टिप है शूज से रिलेटेड। बहुत से लड़के ये मिस्टेक करते हैं कि वो कुर्ते के साथ या तो किट्टो चप्पल पहनते हैं या तो स्पोर्ट शूज पहनते हैं, और यकीन मानो ये बहुत ही घटिया लगता है कुर्ते के साथ। आपके इस एक गलती की वजह से आपके कुर्ते की पर्सनालिटी की पूरी धजिया उड़ जाती है। इसीलिए ये मिस्टेक आप गलती से भी मत करना। कुर्ते के साथ आप हमेशा या तो कोल्हापुरी चप्पल पहनना या तो विदाउट शूलेस वाले फॉर्मल शू पहनना, ये हमारे ऊपर सूट भी करता है और कुर्ते के साथ दिखने में अट्रैक्टिव भी लगता है। तो ये थे वो 10 कुर्ता पजामा टिप्स जिसे फॉलो करके आप एक सस्ते कुर्ते पजामे में एक महंगे कुर्ते पजामे में से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और क्लासी लगोगे। और कुछ अच्छे अच्छे कुर्ते पजामे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक कर आप चाहो तो खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शाह ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो जिससे कि हर डार्क स्किन या सांवले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं उसे अपना ताकत बनाओ।